सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे, लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे नेता। वही आपको बता दें कि 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे, लोक भवन में पुस्तक का विमोचन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरकार के 4 साल के विकास कार्यों पर ये किताब लिखी गई है, जिसका विमोचन सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में करेंगे। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 4 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार को। तो वही आपको बता दें कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पर अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे सीएम योगी। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो वही आपको बता दें दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे, जहां पर योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में उपलब्धियां गिनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से आज योगी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ देर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इस पूरे 4 साल की अगर हम बात करें तो किस तरह से उनकी उपलब्धियों को देखा जा रहा है? बिल्कुल सुखा, निश्चित तौर पर 4 साल पूरे हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। मेरे हाथ में एक वो कैटलॉग है, जो कैटलॉग उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने जो छाप के दिए है, एक कैटलॉग जो है इसमें पूरे 4 साल का लेखा जोखा है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखी जाए तो 4 साल में उत्तर प्रदेश को 5 एयरपोर्ट और 70 वर्षों में केवल 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि केवल अगर देखा जाए हवाई मार्ग से। उसके अलावा 4 वर्षों में 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हैं। 2 एम्स की स्थापना गोरखपुर और रायबरेली में हो चुकी है। मैं इस समय नोएडा में मौजूद हूँ। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश केवल अकेला ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ 3 करोड़ मरीजों की जाँच की गई और यहाँ पर एक विश्व स्तरीय पूरा एक बेहतरीन कोरोना का हॉस्पिटल बना हुआ है। आज तक उसमें एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना के, जितने भी पीड़ित आए। तो ये उपलब्धियां जो हैं, ये 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो मिशन शक्ति चलाया, अपराधियों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, उन अपराधियों की जिन्होंने अपराध के जरिए उसको अर्जित किया था, उसको जब्त किया, उसको नेस्तो नाबूद किया, एक मैसेज दिया, अपराधियों की चूल्हे हिला दी। और मुख्तार अंसारी आज जीता जागता उदाहरण एक है कि पंजाब में शरण लिए हुए हैं वो उत्तर प्रदेश आने की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा जाए तो जिस दिन शपथ ली थी उस दिन, अगर उस दिन को हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पहला बयान यही था कि अपराधियों से निवेदन है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ा वो आज जीवित हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में रहे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और एक मैसेज दिया, एक कानून व्यवस्था एक सुचारू की गई। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 10-15 सालों की और बात करें तो अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला यहाँ पे शिल्प हाट का आयोजन हुआ, जहाँ पे एक ही जगह पे एक उत्पाद के साथ साथ करोड़ों लोगों को यहाँ पे रोजगार देने की व्यवस्था की गई। निवेश के जरिए एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन एक एयरपोर्ट यहाँ बनने के लिए जा रहा है, उसका सारा खाका तैयार हो गया है। फिल्म सिटी बन रही है, एक विकास का एक नया खाका तैयार हुआ है। नए उद्योगपतियों को यहाँ पे अवसर मिल रहे हैं। सैमसंग एक बहुत बड़ा जीता जागता एक महत्वपूर्ण मोबाइल कंपनी है, उसका यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। बहुत सारी और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया में, WHO ने कोरोना के दौरान WHO ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। तो ये उपलब्धियां जो है, जब आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए बड़े निर्णय लेते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को देखना होगा, 46 साल से एक परियोजना ऐसी थी कि जो बिल्कुल लंबी चल रही थी, बाणगंगा योजना, उस पर अब आज उसकी शुरुआत हुई है तो करोड़ों लोगों को उसके जरिए, किसानों को उसका फायदा होगा, सिंचाई के नए संसाधन तैयार होंगे। तो जहां चाहा
वहीं रहा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी अगर हम देखें बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वक्त है जब आगामी चुनाव भी है और ऐसे में ये भी देखना होगा कि आज के दिन वो अपने सारे इस पूरे चार साल के कार्यकाल इस पूरे उपलब्धियों को गिनाएंगे जनता के बीच। शिखा बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं जिनसे मेरी बात हुई है, ये कैटलॉग उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हुए हैं। वार्ड तक नीचे तक जाने का जो आम कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाके इसको दिखा रहे हैं कि ये चार साल के काम है निश्चित तौर पर, क्योंकि लिखित जब आप एविडेंस कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है और आम आदमी जुड़ता है, उसके बाद विश्लेषण करता है, वो सोचने के लिए मजबूर होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूस्ट हुआ है। आने वाले दिनों में चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच जाके जो बातें हो रही हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से निश्चित तौर पर वो अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए तत्पर हैं और जनता को सुन रहे हैं, जनता से और इसके प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और कुछ नए जो योजनाएं हैं वो भी जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रस्तावित है, लेकिन आने वाला समय बताएगा ये, क्योंकि किसी भी चीज की घोषणा कर देना वो पॉलिटिकल लोगों का काम होता है, पत्रकारों को निश्चित तौर पर इसका विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है इसके जरिए। बिल्कुल राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के चार साल पूरे हो रहे हैं, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे।